हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से मेरे चैनल पे। आज आपके सामने मैं नेचुरल होममेड नीम सैनिटाइजर लेके आई हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, ये आपके सामने सारे सामान रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीम सैनिटाइजर ये अपने आप में ही एक एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरे देश में बहुत फैला हुआ है, तो सैनिटाइजर की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पूरे देश में। तो आज मैं आपके सामने नीम सैनिटाइजर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये नीम चाहिए है। तो आप कहीं पे भी नीम का पेड़ लगा हुआ रहता है, कहीं से भी हर जगह नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो आप कहीं से भी नीम के पत्ते एक डाली तोड़ के ले आइए और उसके नीम के पत्ते निकाल कर और धोकर उसको एक बाउल में रख लीजिए। और हर घर में तुलसी पाई जाती है, तो मैंने थोड़े से पत्ते तुलसी के ले लिए हैं। तो आप इसमें और थोड़ा सा फिटकरी लगेगी, तो मैंने एक फिटकरी आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। तो ये फिटकरी मैंने थोड़ा सा पीस के रख ली हुई थी और इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ये कपूर, थोड़ा सा कपूर मैंने आपको दिखाने के लिए कपूर रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा कपूर मैंने इसको पीस लिया है। और एलोवेरा जेल लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको शुरू करने के लिए 2 गिलास पानी चाहिए होता है। 2 गिलास पानी किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, उसमें नीम के पत्ते डालकर, और 2 गिलास पानी का आपको 1 गिलास पानी करना है। तो आप 1 गिलास पानी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 2 गिलास पानी है, तो इसमें मैं आपके ये थोड़े से लीव्स डाल लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने लीव्स तोड़ लिए हैं और ये आप लीव्स डाल सकते हैं। देखिए, ये कम 100 ग्राम लीव्स होंगे, ये आप 2 गिलास पानी में आप डाल सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा चलाते रहिए। तो ये आपके नीम 2 गिलास पानी का जब 1 गिलास हो जाए, थोड़ा सा खोलने देंगे इसको 5 से 10 मिनट तक। जब ये पानी एक गिलास पानी रह जाएगा, तो फिर आप इसको ठंडा करके किसी भी कंटेनर में निकाल लीजिए। फिर इसके बाद बाकी सामान इसमें मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने नीम का पानी तैयार है। ये 2 गिलास पानी और नीम का पानी मैंने रेडी करके रखा था, तो ये 2 गिलास का 1 गिलास पानी रह गया है। इसमें मैंने तुलसी भी डाली हुई थी, नीम डाले हुए थे, दोनों को बॉईल करके ये मैंने आपके सामने 1 गिलास पानी रह गया है। देखो आपका इसका कलर चेंज हो गया है पानी का। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल डालू। मैंने ये घर का मेरा एलोवेरा जेल है, मैंने इसको निकाल के आप जैसे ये मैंने ये पील कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए बता देती हूँ। इसको मैंने घर पे लगा हुआ था ये एलोवेरा जेल, तो मैंने इसका एक लीफ तोड़ के और मैं इसको पील ऑफ कर लेती हूँ। ये आप स्पून से आराम से पील ऑफ कर सकते हैं। फिर देखिए, ये मैं आपको पील करके बताती हूँ। एलोवेरा जेल हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है। अगर किसी के पास नहीं भी हो, तो आप पतंजलि का किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल। तो आप मैंने इस एलोवेरा जेल को मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लिया था। तो फिर मैं आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके बताती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर देती हूँ। तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा फॉक से मिक्स करती हूँ। देखिए, तो इससे क्या है, जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक आपको जो फिटकरी बताई थी, तो ये मेरे पास है 1/2 स्पून फिटकरी। तो मैं इसमें फिटकरी मिक्स करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें फिटकरी मिक्स कर रही हूँ और ये 1 चम्मच कपूर है। देख सकते हैं आप, ये पूरा 1 चम्मच है, लेकिन मैं 1/2 स्पून कपूर मिक्स करूंगी। देखिए, ये 1/2 स्पून कपूर, देखो आपके सामने मैं इसमें मैंने ये कपूर इसमें डाल दिया है। तो ये आप इस कपूर को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ये स्पून ले लेती हूँ, स्पून से मैं ये सबको मिक्स कर देती हूँ। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है।
ये आपके घर में, सबके घर में फिटकरी मिलती है, सबके घर में अपना ये कपूर भी रहता है, नीम हर जगह अवेलेबल रहता है, तो ये सैनिटाइजर घर पे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मार्केट में ये सैनिटाइजर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये आप घर पे होममेड नीम सैनिटाइजर बना सकते हैं। ये सैनिटाइजर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये अपनी अपनी ग्रिल हो या जो भी आपका मोबाइल हो या आपका हैंड वॉश करना हो या बच्चों को कहीं पे देना हो ट्रैवल के लिए, बहुत जगह सैनिटाइजर का अभी जरूरत है, तो आप ये होममेड सैनिटाइजर बना सकते हैं, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको ये सैनिटाइजर बना के फिल करके बताती हूँ। अब कोई भी इस तरह का खाली कंटेनर ले लीजिए, मेरे पास खाली कंटेनर था तो मैं इसमें आपको सैनिटाइजर फिल करके बताती हूँ। तो ये मैं इसमें पीक डालूंगी और पीक से ये मैं सैनिटाइजर फिल करूंगी। देखिए देखिए मैंने ये सैनिटाइजर फिल कर दिया है। देखिए ये सैनिटाइजर फिल हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ये गिर गया है, तो कोई बात नहीं, ये आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सैनिटाइजर आपको बना दिया है, आप थोड़ा सा हाथ में 4 से 5 ड्रॉप डाल के और आप रब करके अपने हाथों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये अपना होममेड सैनिटाइजर है और आप देख सकते हैं ये सैनिटाइजर बॉटल में आपका रेडी हो गया है, कितना सारा सैनिटाइजर बना हुआ है, और ये सैनिटाइजर आपके कितना सारा बचा हुआ है दूसरी बॉटल में आप फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।